really missing this beautiful place. So special thanks to my friends. Sir, I'm going to Chikmagalur abhi trip. सब जने थके सो है काफी, मैं भी टायर्ड हूँ। उसके बाजू में लिखें गो स्लो योर लाइफ इज प्रीशियस। ओके, यहाँ एक छोटा फॉल्स है कहते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बोल दूं मैं मेरे बारे में। गाइस अगर यहाँ आ रहे हैं बोले तो समर के सीजन में आओ, काफी अच्छा नीचे का व्यू मिलता है। तो गाइस यहाँ आए थे, बहुत मस्त एक व्यू पॉइंट है यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी फॉग है ना, तो उसके बारे में नीचे का नज़ारा तो खास दिख रहा नहीं, देखो पूरा। और हमारे बाइक से यहाँ है, तो गाइस अगर यहाँ आ रहे हैं बोले तो समर के सीज़न में आओ, काफ़ी अच्छा नीचे का व्यू मिलता है, बहुत मस्त है प्लेस है। बट विंटर के सीज़न में पूरा फॉगी फॉगी एरिया है, तो अगर तुम्हें समर के सीज़न में आएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा देखने मिलता है। मैं दिखाया, मैं सिनेमैटिक शॉट्स देखे रहेंगा तुम्हें, काफ़ी हवा है तो उसके बारे में मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। ऑल राइट गाइस, तो वहाँ से आए, अब यहाँ एक छोटा फॉल्स है कहते हैं, वहाँ जाएंगे, फॉल्स देखेंगे कैसा है बोल को। सब जने टायर्ड हो चढ़े हैं, बाइक चला 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 को 3 दिन से घूम रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये राइड का प्लान 5 डेज़ का था, बट थोड़े प्रॉब्लम से 3 डेज़ करें, अल्लाह के फजल से आते वक्त बारिश नहीं था, अब जाते वक्त बारिश नहीं रहना। और क्या है, इतना खूबसूरत नज़ारा है तुम्हारे सामने, पूरी नाइट बाइक चलाना अब वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है, देखेंगे बट कुछ ना कुछ तो करेंगे। मस्त साइड में पार्टी चल रही, क्या शादी है शायद, शादी है, देखो मस्त है देखने देखने में, वाओ। कम ऑन गाइस, फॉल्स फॉल्स, शायद यहाँ पार्क करना बाइक। ओके यहाँ देखो, यहाँ एक मंदिर है छोटी सी, एक छोटा सा फॉल्स है। ओके गाइस, सब हुआ, अब घूम को कंप्लीट, फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, अब सब जने रेडी हो रहे हैं, चलो
तो दोपहर में नहीं खाए थे तो इसके बारे में अभी यहाँ रुको, सब चाय वगैरह पिए जिससे फ्रेश अप होना था, फ्रेश अप हुए, अब सीधा निकलने का, अब कहाँ भी रुके सरकार नहीं है। फिर से 8-9 घंटे का सफ़र चालू होने वाला है शाम से। रियली मिसिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और क्या होना जिंदगी में। अपडेट बोलना होगा तो अभी यहाँ से बेरूर जा रहे हैं, बेरूर से आगे एक हाईवे लगता है तो वहाँ से सीधा बेलगाम देखेंगे, सीधा हाईवे पर मिल दो आप। ओके गाइस, तो फाइनली बेरूर पहुँच गए। तो यहाँ से एक दावणगिरी 150 किलोमीटर है, चन्नागिरी 52 किलोमीटर। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द बाइक। सो गाइज, अभी यहाँ से दावणगिरी 108 किलोमीटर्स है, उसके बाजू में लिखे गो स्लो योर लाइफ इज प्रीशियस। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, विजिट अगेन। द नेक्स्ट स्टॉप दावणगिरी। दावणगिरी में भी चाय पी को, थोड़े बहुत बिस्किट्स खा को निकलने का, फिर उसके आगे जाके खाने खाने का प्लान है, तो देखेंगे क्या क्या होते रहता है। ऐसे जब दोस्तान रहता है, रोड ट्रिप होता है, उसमें चाय पीने का मज़ा चल रहता है, आराम से रुकना, चिल करना, हंसी मजाक, चाय, बातें, ये सबको मिस करते रहते हूँ मैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलता है, बट उसके पीछे घंटों की मेहनत रहती, कभी कभी पूरा दिन चले जाता है, कभी दो दो दिन चले जाते हैं एक एक वीडियो बनाने में। सो ऑल राइट गाइस, तो हाईवे को पहुँच गए दावणगिरी को, तो यहाँ से तुम्हारा राइट साइड हाईवे मिलता है। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर फूड, देखेंगे खाना कहाँ मिलता है, खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि तो सबको भूख लगी है, दोपहर से कौन भी खाए नहीं। और यहाँ से बचा अब 70 किलोमीटर्स हाईवे रही, तो वहाँ से हुबली मैक्सिमम समझो 80 किलोमीटर। सो देखेंगे क्या मिलता है खाने को, जाएंगे ढाबा जाको तुमना, सीधा मिलता हूँ। तो चलो फाइनली यहाँ पहुँच गए, खाना खाने रुक रहे हैं अब हाईवे के बाजू में एक ढाबे में। ओके ओके ओके, चलो अंदर चल के मिलता हूँ। अभी फिलहाल में सब खाना वगैरह हुआ, तो यहाँ से निकल रहे हैं अब, देखेंगे अगर स्टॉप रुके तो मिलता हूँ, नहीं तो सीधा तुम ना बेलगाम जाको मिलता हूँ। सब जिन्हें थके सो है काफ़ी, मैं भी टायर्ड हूँ, तो चलो। Finally, we are in Belgaum. आराम से सराय ने चिकमंगलोर अभी ट्रिप पर है। सराय के नहीं है यार ये। चलो ये फटाफट से खोलेंगे, खोल को सीधा बांध में मिलता हूँ।
Okay, the lights, camera, and action. तो ओके गाइस, फाइनली यहाँ हमारा जी मंगलुरु का ट्रिप खत्म होता है। तो ये इसका एंडिंग पार्ट है। एंडिंग पार्ट करीब एक महीने के बाद में शूट हो रहा है क्योंकि तो मेरे एग्जाम्स होते हैं। पूरा वन मंथ पूरा बिजी था, तो उसके बारे में तो और कैसा लगा व्लॉग प्लीज कमेंट में बताओ। फर्स्ट से लेकर या आज का 7th एपिसोड तक पूरे मेरे व्लॉग्स लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ो मेगा पीछे की कर दो। इसके आगे बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। अब तो प्रॉपरली कंटेंट के मुताबिक पूरे व्लॉग्स देता हूँ। एकदम मस्त मस्त कंटेंट आते रहते हैं। तो काफी मजा आया ट्रिप में। थोड़ा मुश्किल भी हुआ, एक शॉर्ट ट्रिप बोलते हुए मेरे बारे में की कर दो। आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर तो मुझे ऐसे लॉन्ग राइड करना है, तो मैं काफी प्लान्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं प्लान्स सब सेट कर रखूँगा। जरा कॉलेज के बारे में थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसे मैं मैनेज करते रहूँगा गाइस। ये मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म, तो प्लीज बताओ मुझे कमेंट्स में कैसा लग रहा है। अगर पूरे एपिसोड पसंद आए तो पूरे को शेयर करो, पूरे को लाइक करो। अगर तुम सपोर्ट करेंगे तो मुझे पक्का मोटिवेशन मिलता है और मैं धमाकेदार वीडियो बनाता हूँ। आने वाले दिनों में चैलेंजेस वीडियोस, फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो होने वाली है। मैं हफ्ते में 2 व्लॉग्स छोड़ूँ कंपलसरी, क्योंकि तो कॉलेज का भी शेड्यूल बिजी होता है। उनको डेली व्लॉग का प्लान डाला था मैं, बट डेली व्लॉग मुझे करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में हफ्ते में 2 तो व्लॉग कंपलसरी आते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जो मुझे इस ट्रिप में सपोर्ट करें। थैंक यू वन ऑफ माई फ्रेंड अफान बोलको जो मुझे बाइक स्पॉन्स करा था वो ट्रिप को। तो थैंक यू ब्रो फॉर दिस। एकदम एक हट को एक नया सीखने मिला उस ट्रिप में। और लॉन्ग ट्रिप आने वाले हैं तो प्लीज बने रहो मेरे व्लॉग्स में। अगर तुम्हें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज तुम्हारे से मेरी यही उम्मीद है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो। जो भी लोग मुझे अब तक भी सपोर्ट करें दिल से शुक्रिया। तो इस मेहनत रंग लाने बोल को मैं मेहनत कभी भी इस मेहनत को स्टॉप नहीं करना चाहता। अगले आने वाले दिनों में कैसे कंटेंट बनाओ प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में, तो मैं उसके मुताबिक वीडियो बनाता हूँ। मस्त वीडियो आने वाले है एकदम फुल एनर्जेटिक के साथ। तो बस बहुत बड़ा हुआ व्लॉग यहाँ का, तो आज का व्लॉग यहाँ स्टॉप करेंगे। तो फाइनली वी आर एंडिंग दिस सीरीज चिकमंगलूर सीरीज। तो काफी मिस कर रहा हूँ उस प्लेस को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज बॉय मोहम्मद शिवकान फ्रॉम नंबर कर्नाटका साइन आउट।